दोस्तों, तो सबसे पहले क्या करना है कि आपके पास जो भी ब्राउज़र हो आप उस ब्राउज़र को ओपन कर लेंगे। जैसे मान लीजिए क्रोम को ओपन कर लेंगे और यहाँ सर्च बार में टाइप करेंगे भूलेख। ठीक है, देखिए भूलेख लिखते ही यहाँ पे आ गया। और जैसे ही यहाँ पे करेंगे तो जो पहली वाली आप यहाँ देख रहे हैं वेबसाइट upbhulekh.gov.in, उस पर क्लिक करना है। और दोस्तों एक चीज़ का बहुत विशेष ध्यान देंगे कि ये वीडियो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में जो लोग निवास कर रहे हैं उनके लिए है। ठीक है, तो देखिए जैसे हमने क्लिक किया तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का पेज खुल के आ गया। तो सबसे पहले कॉलम में यहाँ पे जनपद, उत्तर प्रदेश में जितने भी जनपद हैं वो सारी लिस्ट यहाँ पे आ गई है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम किसी एक पे भी क्लिक करेंगे, जैसे मान लीजिए जैसे हमने अमेठी पे क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए तहसील आ गया। अभी यहाँ पे आप देख रहे होंगे चार तहसील है। तो ये जिस जितने भी ज़िले में जिस भी ज़िले में जितनी तहसीलें होंगी वो यहाँ पर आ जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे देखिए ग्राम, तो ग्राम में क्या करना है कि सबसे पहले आपकी जो तहसील है उस तहसील को चूज़ करेंगे, ऑटोमेटिक यहाँ पे ग्राम आ जाएगा। ठीक है, यहाँ अल्फाबेटिकल आता है। उसके बाद अगर आपका लिस्ट में नाम नहीं दिख रहा है तो आपका जो भी गाँव है उस गाँव के नाम का पहला अक्षर यहाँ पर चूज़ करेंगे। ठीक है, जो भी होगा तो उसको चूज़ करने के बाद तो यहाँ पर आप देखिए इस पर क्लिक कर देंगे, गांव आ गया। और यहाँ पर देखिए आपको यहाँ ऑप्शन दिख रहा है, खसरा गाटा संख्या द्वारा, खाता संख्या द्वारा, खातेदार का नाम द्वारा खोजें और नामांतरण दिनांक से खोजें। तो सबसे पहले क्या करना है, तो जो आपका अगर आपको अराजी नंबर अपनी नहीं मालूम है खेत की, तो उसके लिए क्या करेंगे, नाम से पे सर्च करेंगे। और एक चीज़ का विशेष ध्यान देंगे कि नाम से खतौनी सिर्फ उनकी निकलेगी जो कि मूल खातेदार होंगे। इस चीज़ का ध्यान देंगे, जिनका नाम आदेश में होगा ठीक है तो उनके नाम से खतौनी नहीं मिलेगी। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। मान लो जैसे गोपाल, हमने टाइप किया गोपाल, ये देखिए सबसे पहले क्या करना है, गोपाल को टाइप करते हैं और यहाँ पे खोजे पे क्लिक करें तो यहाँ गोपाल के नाम से खतौनी नहीं, इसलिए नहीं निकला। चलिए किसी भी नाम का कोई भी अक्षर डाल देते हैं, पहला अक्षर। ठीक है, तो यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको नाम से, देखिए यहाँ जितने भी नाम हैं उन नाम से खतौनी निकल गई। और किसी एक पे क्लिक कर रहे हैं, उदाहरण देखे पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे कैप्चा डाल देंगे। कैप्चा का दोस्तों फिलहाल के लिए तो क्या है कि हमेशा एक जिस तरीके से लिखा होता है उस तरीके से उसको लिखना चाहिए। फिलहाल मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ कि मैं स्मॉल और कैपिटल दोनों में लिख के कर दे रहा हूँ तो भी ये खुल जाएगा। ये देखिए तो ये नाम से निकल गया खतौनी। ठीक है, बहुत इजीली। अब अगर आपको अराजी नंबर अपनी मालूम है तो यहाँ पर वो अराजी नंबर डाल देंगे जो भी आपके गांव की अराजी नंबर है। ठीक है, मान लो हमने यहाँ डाला कुछ भी डाल देते हैं XYZ 38। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए 38 की खतौनी आ गई। दोस्तों आप लोग मुझसे कमेंट करके बहुत कुछ पूछते हैं कि सर मेरे नहीं मिल रहा है तो मैं कैसे ढूंढूं। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप मूल खातेदार हैं ठीक है, तो मूल खातेदार होंगे तो ही आपके नाम से खतौनी निकलेगी, वरना नहीं निकलेगी। और आप सोचिए कि अगर आप मूल खातेदार नहीं हैं फिर भी आपको खतौनी निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए दोस्तों अगर आप क्या करेंगे कि आपने जिससे भी ज़मीन ख़रीदा है, ठीक है, जिससे भी ज़मीन ख़रीदा है आपने, तो सबसे पहले उसका नाम डालेंगे और उसके पिताजी का नाम जरूर याद रखे रहेंगे। क्योंकि नाम तो अगर आपने डाल दिया, मान लो अगर कोई भी नाम आपने डाल दिया ठीक है, तो अगर उसके पिताजी का नाम नहीं मालूम होगा, अगर लेडीज़ के नाम ज़मीन है तो यहाँ पे उसके पति का नाम होगा और अगर पुरुष के नाम है तो उसके पिताजी का नाम होगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान देंगे, नाम से सिर्फ उन्हीं की निकलेगी जो मूल खातेदार होंगे। और यहाँ पर लास्ट देखिए जो नामांतरण दिनांक, नामांतरण दिनांक क्या है, नामांतरण दिनांक दोस्तों कि जैसे अगर आपने कोई ज़मीन की रजिस्ट्री करी, रजिस्ट्री करने के बाद जिस दिन आपका दाखिल खारिज हुआ, नामांतरण हुआ, तो उस डेट को चुनेंगे यहाँ पे, जिस भी डेट का होगा। ठीक है, फिलहाल के लिए यहाँ पे ये 5 साल का लगभग, 10 साल के लगभग आसपास यहाँ दिख रहा होगा, 2008 से 10 से 12 साल का दिख रहा है। ठीक है, अपलोड हो रहे हैं सारी पुरानी खतौनियाँ भी। तो
तो उस डेट पे वो आप डालेंगे, जैसे ही उस डेट पे अगर आपका यहाँ पे दाखिल खारिज हुआ है तो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो बस फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार। और अगर आपकी खतौनी मिल गई तो नीचे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।